हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं अकबर बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का एक पुराना सेट दोस्तों, जो आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन का सेट है। तो इनको भी दोस्तों आप यहाँ पर आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए दोस्तों। और शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक और पेपर आप देखिएगा और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप लगातार नोट करते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम से पहले दोस्तों आपका बहुत सारा कलेक्शन तैयार हो जाए, जिनसे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखता है आपका, माउंट आबू कहाँ स्थित है। आपको बताना है माउंट आबू लोकेटेड इन, ये आपका जम्मू में, अरावली पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो माउंट आबू है दोस्तों एक हिल स्टेशन है जो आपका राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, और ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला का दोस्तों एक पार्ट है जो आपका माउंट आबू, और ये दोस्तों आपका नियर गुजरात बॉर्डर पड़ता है, अर्थात दोस्तों गुजरात बॉर्डर के नज़दीक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। आपको बताना है हीराकुंड डैम इज ऑन रिवर, कौन सी वाली रिवर पर दोस्तों, नर्मदा पे, गोदावरी पे, महानदी पे, ताप्ती पे। ये दोस्तों महानदी पर बना पड़ा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में आप याद रखेंगे, उड़ीसा में महानदी के तट पर बना हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों विश्व के सबसे बड़े बांधों में आता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये बड़े बांधों में आपका आता है तो महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम सिख गुरु कौन थे। आपको बताना है लास्ट सिख गुरु वॉज, ये अर्जुन देव होंगे, तेग बहादुर होंगे, गुरु नानक होंगे, गुरु गोविंद होंगे। ये दोस्तों गुरु गोविंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, गुरु गोविंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, ये किसके द्वारा चुने जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या ए और बी दोनों। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही के द्वारा दोस्तों चुने जाते हैं। आप कहेंगे राज्यसभा के और लोकसभा के कुछ सदस्यों के द्वारा दोस्तों गुप्त मतदान होता है, उसके बाद इनका चयन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, दोनों सदनों के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू में है, असम में है, गुजरात में है, कोई नहीं। ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों, सियाचिन बहुत ही ऊंचा ग्लेशियर है, जहाँ पर ये दोस्तों आपका भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारे जवान लोग यहाँ पर सेना में तैनात होते हैं, तो सबसे गंभीरतम दोस्तों यहाँ पर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान कम होता है, लगातार बर्फबारी भी होती रहती है। तो सियाचिन दोस्तों सबसे कठिन इलाका होता है, और ये दोस्तों आपका काराकोरम में, काराकोरम की श्रृंखला में पड़ता है दोस्तों। काराकोरम जो हमारा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसी में दोस्तों आपका सियाचिन पड़ता है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों हिमालय का ही, हिमालय श्रृंखला का ही एक भाग होता है दोस्तों। जो हिमालय श्रृंखला है उत्तर में, उसी का एक हिस्सा है दोस्तों सियाचिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है। आपको बताना है लोहड़ी डांस रिलेटेड विद, ये आपका गुजरात से, पंजाब से, बिहार से, राजस्थान से। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा पंजाब से दोस्तों, पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों, फोक डांस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आग बुझाने में कौन सी वाली गैस का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश, ये आपका दोस्तों ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का। इसमें इस्तेमाल होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, CO2। और कभी आपका आता है दोस्तों, आग जलाने में कौन सी वाली गैस सहायक होती है, तो वो होती है दोस्तों O2, अर्थात ऑक्सीजन आपकी सहायक होती है, और CO2 दोस्तों बुझाने के कार्य में आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई। आपको बताना है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस, ये जे थॉम्सन होंगे या जोसेफ प्रिस्टले होंगे या रोंजन होंगे या रदरफोर्ड होंगे। ये दोस्तों हो जाएंगे जोसेफ प्रिस्टले दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, CNG का पूरा नाम क्या है। आपको फुल फॉर्म ऑफ CNG बताना है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, CNG का उपयोग किया जाता है वाहनों में ऊर्जा के लिए दोस्तों। तो आपको बताना है CNG का फुल फॉर्म होता क्या है, संपीड्य प्राकृत गैस होगा, असंपीड्य प्राकृत गैस होगा, या कार्बन नाइट्रोजन गैस होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है संपीड्य प्राकृत गैस, यदि आप इंग्लिश में कहें दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका होता है। तो दोनों में ही आप याद रखेंगे, आपका इंग्लिश में भी आ सकता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर, जिसे आप दोस्तों कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब संपीड्ित कर सकते हैं, तो ऐसी एक प्राकृत गैस है दोस्तों, जिसे आप शॉर्ट में CNG बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट हु कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका जनरेटर होगा, विद्युत घंटी होगा, गिटार होगा, विद्युत मोटर होगा। इनमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो आप याद रखेंगे। और इसी का विपरीत कार्य जो करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो आपका जनरेटर करता है, तो इसका उल्टा एकदम दोस्तों विद्युत मोटर का अपोजिट कार्य करता है। और वैसे ही दोस्तों विद्युत घंटी क्या कार्य करती है, ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, याद रखेंगे आप, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोस्तों बदलने का कार्य करती है विद्युत घंटी। और गिटार क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि इनके आधार पर कोई भी आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, आपको बताना है दोस्तों, हु इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव आपको पता होगा दोस्तों काहे में होता है, आपको बताना है, प्रकाश में होता है, ध्वनि में होता है, या विद्युत में होता है, या उपरोक्त सभी में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है ध्वनि में दोस्तों। आपको पता होगा जब आप किसी सोर्स के नज़दीक जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है, मान लीजिए कोई वाहन ही जा रहा है दोस्तों, तो जब आप उसके पास में जाते हैं तो आपको आवाज़ तेज़ी से सुनाई देने लगती है, लेकिन जब आप दूर होते हैं दोस्तों तो आपको आवाज़ लगातार कम होती हुई सुनाई देती है। तो इसी प्रभाव को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो आपका हो जाएगा ध्वनि में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 1 AMU। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए बार बार एक क्वेश्चन आता है, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट। आप याद रखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, जो दोस्तों कार्बन के एटॉमिक मास का लगभग 1/12 वहाँ भाग आपका माना जाता है। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है किलोग्राम में कितना होगा, 1.6 × 10⁻³, या 1.6 × 10⁻², या 1.6 × 10⁻¹⁹, या none of these। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब याद रखेंगे दोस्तों 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी तत्व में परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, आपको बताना है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटॉम इक्वल टू नंबर ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है, जब भी आप दोस्तों एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, परमाणु संख्या की बात करते हैं, तो आपको बताना है किसी परमाणु की संख्या दोस्तों उसमें किसके बराबर होती है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या फोटोनों की संख्या के बराबर होती है। ये दोस्तों होती है प्रोटोनों की संख्या के बराबर। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन में हम आप बता दें कि 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब दोस्तों इसमें कितना प्रोटॉन होगा, केवल एक ही प्रोटॉन होगा। वैसे आप 2 की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके 2 प्रोटॉन होंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों एक प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या ही बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन्स मेड इन, या आपका अग्नाशय में, या पित्ताशय में, या अस्थि मज्जा में, या फेफड़ों में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों अग्नाशय में, इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और आपको इंसुलिन का कार्य पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्या कार्य करता है, आपको पता होगा दोस्तों आमाशय के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसे आपका रक्त शर्करे में आमाशय बदलता है। उसके बाद दोस्तों रक्त शर्करे को ऊर्जा में बदलने का कार्य जो करता है वो करता है इंसुलिन। रक्त शर्करे को दोस्तों जो आपका ब्लड शुगर होता है उसे बदलता है ऊर्जा में इंसुलिन दोस्तों। तो इंसुलिन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि पैनक्रियाज ठीक से काम ना करें दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है, और इस हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, शुगर रोग होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए जो आपका मधुमेह रोग होता है या फिर आपका शुगर रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो आप बता देंगे दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। फाइनली आप यहाँ पर समझेंगे कि इंसुलिन हार्मोन आपका शुगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्वनि किस में गमन नहीं करती, आपको बताना है साउंड कांट मूव इन विच मीडियम, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्वनि एक प्रकार की दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है दोस्तों, जिसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये बिना माध्यम के गमन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर देखिए ठोस, द्रव और गैस आपके यहाँ पर माध्यम है, और तो ठोस, द्रव, गैस दोस्तों आपके 3 माध्यमों में ये गमन करती है, लेकिन निर्वात में अर्थात वैक्यूम में दोस्तों गमन नहीं कर पाती। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, निर्वात में गमन नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस दोस्तों आपको पता होगा ये एक प्रकार की दोस्तों रॉ मटेरियल से बनती है। आपने देखा होगा दोस्तों रॉ मटेरियल को जब आप बंद करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखते हैं, दबा के रखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के खास तौर पर मिलने से दोस्तों CH4 के और CO2 के मिलने से ये गैस दोस्तों बनती है। तो आप कह देंगे यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपका मेजर होता है दोस्तों, इसमें मेजर कंपोनेंट आपका होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बार बार आते हैं, इनको आप तैयार करेंगे सभी को। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, पुराना सेट देखा। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको लगातार इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें, और साथ ही साथ दोस्तों हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय।